आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में जानने वाले हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है। ठीक है, कार्डियक जिसका मतलब होता है हार्ट, आउटपुट मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है फ्रेंड, मतलब हार्ट के द्वारा क्या रिजल्ट निकलना, मतलब क्या। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ स्ट्रोक यमल या वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाई हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हार्ट के द्वारा एक मिनट में कितना यमल ऑफ ब्लड डिफरेंट ऑर्गन में पंप किया जाता है, उस यमल को या उस वॉल्यूम को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कार्डियक आउटपुट जिसको निकालेंगे तो आपका आएगा 72 × 70 × 5040 ml। मतलब क्या हो जाएगा, 5 से 5 लीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 5 लीटर आपका ml क्या होता है कार्डियक आउटपुट। अब ये कैसे आता है वे सीखते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि एक मिनट में 72 बार क्या हो, हमारा हार्ट एक मिनट में 72 बार बीट करता है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि और एक टाइम में 70 ml, मतलब कि एक बार में हमारा हार्ट 70 ml को पंप करता है एक बार में। ठीक है, एक बार में 70 बार पंप करता है तो 72 बार में कितना पंप करेगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए एक मिनट बराबर होता है 72 बार। ठीक है, और एक बार बराबर हो जाएगा 70 ml, तो 72 बार कितना हो जाएगा, 70 × 72 जो आपका आता है 5040 ml। मतलब क्या ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 5 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या, ये जो 5 लीटर है ये आपका ml, ये आपका लीटर में आया या 5040 ml आया, इसे क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।